Hare Krishna, welcome to Vyasa Astro channel. This is Navneet coming up with another video on retrograde Saturn. जी हाँ, आज हम बात करेंगे जब शनि वक्री होते हैं तो क्या होता है. 26 जनवरी 2017 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया कि शनि वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं. शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं. मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि शनि काफ़ी बार वक्री होंगे, 6 अप्रैल को शनि वक्री हो रहे हैं. शनि वक्री होने का मतलब ये है कि शनि उल्टी डायरेक्शन में उल्टा चलने लग जाते हैं. यानी कि अगर शनि धनु राशि में प्रवेश किए हैं तो कुछ समय के लिए वो वापस उल्टे चलते हुए वृश्चिक राशि में वापस आएंगे. अब शनि धनु राशि में प्रवेश किए उन्हें अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 महीने हो चुके हैं, तो वो कुछ डिग्री धनु राशि में आगे बढ़ चुके होंगे. जब वो शनि वक्री होंगे, वापस रिवर्स आएंगे, तो उन्हें कुछ वक्त लगेगा. वो जो वक्त होगा वो वक्त 20 जून तक रहेगा. यानी कि 6 अप्रैल से लेकर 20 जून तक शनि धीरे धीरे वापस स्कॉर्पियो में वृश्चिक राशि में आना शुरू करेंगे. और अप्रॉक्सीमेटली 20 जून को वो स्कॉर्पियो में एंटर कर जाएंगे और तकरीबन 25 अगस्त तक वो वहाँ रहेंगे. फिर 25 अगस्त के बाद वो मार्गी होंगे और वो वापस धनु राशि में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे. तो चलते चलते, इट्स अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, तो धीरे धीरे वो स्कॉर्पियो से सेजिटेरियस की तरफ, यानी कि वृश्चिक राशि से धनु राशि की तरफ जाएंगे. और अप्रॉक्सीमेटली 26 अक्टूबर को वो वापस धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे. अभी मुझे बहुत से मेरे व्यूअर्स के मुझे मैसेजेस आए, मेरे क्लाइंट्स के मुझे मैसेजेस आए कि सर आप एक वीडियो शूट करें जिसमें हमें बताएं कि इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि बहुत सी वीडियोस आ रही हैं जिसमें बहुत सा डर पैदा हो गया है कि शनि वक्री हो रहे हैं. जिनकी तुला राशि वालों की, जिनकी 7.5 ख़त्म हुई थी 26 जनवरी को, जिनका चंद्रमा तुला में है, उनकी 7.5 ख़त्म हो गई थी, वो भी 7.5 4 महीने के लिए वापस आ जाएगी, तो क्या इफ़ेक्ट्स होंगे. देयर्स लॉट ऑफ क्योस ऑल अराउंड. सो मैंने सोचा कि आज आपको ये सारे क्योस से हम आपको मुक्त करेंगे. देखिए, शनि क्या है? शनि लिमिटेशन है, शनि बाउंड्री है, यू नो, शनि कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपेंशन नहीं है. और जब शनि वक्री होते हैं, रिवर्स होते हैं, तो शनि के इफ़ेक्ट्स भी रिवर्स हो जाते हैं. जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बेसिकली एक्सपेंशन में चली जाती है, ऑपोजिट हो जाता है. तो हम तो डर रहे हैं कि शनि हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देंगे. आप शनि के जो भी क्वालिटीज़ हैं आप उनको उल्टा कर लीजिए. अगर शनि लिमिटेशंस हैं, अगर वो आपको लिमिट कर रहे हैं, तो इस बार अगले 4 महीने तक शनि आपको लिमिट नहीं करेंगे. कितनी पॉजिटिव बात है. शनि अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस बार एक्सपेंशन देंगे आपको, क्योंकि वो वक्री हो चुके हैं. कई कुंडलीज के अंदर हम स्पेशली वेट करते हैं कि शनि कब वक्री हो, कब रेट्रोग्रेड हो, ताकि उस पीरियड के अंदर आपको प्रोग्रेस मिल सके. यू नो, रिवर्सल ऑफ शनि, बिल्कुल रिवर्स मेथड में, जहां पे वो क्रूर थे वो अब थोड़े कम क्रूर होंगे. वो अगर आपको पनिश करने वाले थे, सिंस वो उल्टे चल रहे हैं, वो अपनी चाल को देख रहे हैं, तो उनके पास इतना नहीं है कि वो अब उसी यू नो फोर्स के साथ किसी को पनिश कर सकें या किसी को वो करें. नहीं, ऐसा नहीं है.
आप बिल्कुल मत घबराएं। देखिए शनि सबसे पहले, देखिए अब जो धनु राशि है उनके जो स्वामी है वो गुरु है, और स्कॉर्पियो वृश्चिक के मंगल है। तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपकी कुंडली के अंदर मंगल कैसे, किस किस पोजीशन पे हैं, वो पॉजिटिव पोजीशन पे हैं या नेगेटिव पोजीशन पे हैं, वो नीच के हैं उच्च के हैं, किस प्रकार आपके मंगल हैं, या शनि किसी क्रूर प्लैनेट के साथ राहु या केतु के साथ विराजमान तो नहीं है। अगर हैं तो भी उसकी रेमेडीज हैं, तो भी घबराने की कोई इतनी बात नहीं है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। वो रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उनकी रिवर्स क्या होगा, अगर यू नो स्लो, जब शनि सीधा चलते हैं तो स्लो चलते हैं, लेकिन जब वक्री होते हैं तो वो फास्ट होते हैं, क्योंकि ऑपोजिट हो गया ना। अगर शनि किसी को पनिश करने वाले हैं तो वो रुक जाएंगे थोड़ी देर, अगर किसी की स्टडी कंप्लीट नहीं हुई हुई है तो उनकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, कंपार्टमेंट क्लियर हो जाएगी बच्चों की, आप नई कंपनीज फॉर्म करेंगे, आप नई कंपनी बनाएंगे। अब मेंटल टेंशन कैसे आएगी, सब बोल रहे हैं मेंटल टेंशन आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लिटिगेशन बढ़ेगी, बिल्कुल मेंटल टेंशन आएगी। कैसे, अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है तो वो आपको थका देगा, आपको मेंटली फिजिकली साइकोलॉजिकली सोशली आपको थका देगा, आप लोगों को मिलेंगे, आप मेहनत करेंगे। सोचिए अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट नया शुरू करते हैं, एक्सपेंशन शुरू करते हैं, तो इंसान उसमें थक जाता है, मेंटली इतना थक जाता है कि कहते हो हे भगवान अब तो हमारा बस हो गई, अब और हम नहीं कर सकते हैं। यही रेट्रोग्रेशन है, ये पॉजिटिविटी है। जब शनि धनु राशि में आए 26 जनवरी के बाद, मैंने अपने क्लाइंट्स में बहुत सी चेंजेस देखी। मैंने देखा कि वो एक्सरसाइज की तरफ, योगा की तरफ, मॉर्निंग वॉक्स की तरफ इंक्लाइंड हो गए हैं। अब सिंस दे विल बी ऑक्यूपाइड इन देयर कॉर्पोरेट वर्ल्ड और वर्क, नए प्रोजेक्ट, नई फाइल्स, नई कंपनीज, नए नई एक्सपेंशन शुरू होगी जब शनि रेट्रोग्रेट होंगे, तो उनका थोड़ा सा ध्यान अपनी सेहत से हटके अपने बिजनेस कारोबार की तरफ चला जाएगा। ये एक नेगेटिविटी है, एक तरफ ये पॉजिटिव आस्पेक्ट भी है कि आप नया कुछ शुरू करेंगे और उसकी तरफ आप अपना कदम बढ़ाएंगे, थक जाएंगे आप करते करते। और नेगेटिव क्या है कि आपका सेहत का थोड़ा ध्यान आपके जो है वो कम हो जाएगा, आप मॉर्निंग वॉक्स, आपके पास टाइम ही नहीं होगा, हो सकता है आपकी दिन की शुरुआत सुबह 7:30-8 बजे ही ऑफिस से हो जाए, जिस समय आप वॉक कर रहे थे, जिससे मैं आप एक्सरसाइज कर रहे थे। ये है शनि का रेट्रोग्रेशन, ये है शनि का एक्चुअली वक्री होना। जहां कॉन्ट्रैक्शन थी वहां अब एक्सपेंशन है, बिकॉज वो रिवर्स हो गया ना उसका सारा इफेक्ट। और अगर शनि राहु केतु के साथ हैं और स्कॉर्पियो जो है मंगल की राशि है और मंगल आपके सही प्लेस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हमारे हनुमान जी हैं ना हमारे साथ। आप हनुमान जी का चालीसा पढ़ें, आप कवच पढ़ें। अगर केतु प्रॉब्लम है, केतु साथ है या दृष्टि है, या केतु कर्म के स्थान पे है, दसवें घर में है या प्रॉफिट हाउस में है, तो आप हनुमान जी को झंडा चढ़ाएं मंगलवार को जाकर, ट्यूसडे को, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। अगर आपके राहु प्रॉब्लमेटिक हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं, आप पीपल के पेड़ की जड़ में आप सरसों का तेल जो है वो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब शांत रहेगा, एक्सपेंशन प्रॉपरली जाएगी। हाँ, लेकिन मेंटल टेंशन रहेगी। मेंटल टेंशन किस बात की, अगर नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं तो मेंटल टेंशन तो होगी ही। अगर कुछ नया स्टार्ट किया है, आप नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, शुरू के 5-6 महीने, साल, 1.5 साल, कोई भी नई पोजीशन आप लेते हैं उसमें मेहनत लगती है, जी तोड़ मेहनत लगती है। आप आप टाइम ही नहीं काउंट करते कितने घंटे आप काम करते हैं, तो वो जो थकावट है वो थका देती है, मेंटल टेंशन देती है नए प्रोजेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने की। ये है शनि वक्री, ये है शनि रेट्रोग्रेड। तो अगर कहेंगे कि वो आपको पनिश करेंगे, अब वो गुस्से में आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। उस सुप्रीम पावर के पास अगर आप विनती लेकर जाते हैं कि आज शनि रेट्रोग्रेट हो रहे हैं, 4 महीने तक शनि रेट्रोग्रेट रहेंगे, हम ये 4 महीने पूरे डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ हम अपना समय बिताएंगे,
हम दिन रात एक करेंगे, मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे। तो शनि चाहे वक्री हो, तो आपको कह रहे हैं कि आप एक्सपेंड कीजिए, चलो मेरा ध्यान अब मैं उल्टा चल रहा हूँ, आप एक्सपेंड कीजिए, आप एक्सपेंशन लाइए, मैं आपकी बाउंड्रीज को थोड़ा कम कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मुझे डिसिप्लिन दिखाइए, मुझे मेहनत दिखाइए, मुझे हनुमान जी की पूजा करके दिखाइए, भगवान राम, दिन रात सुबह शाम हर श्वास में आप राम राम कहते रहिए, आप कृष्ण कृष्ण कहते रहिए। क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप छोटे छोटे गरीब बच्चों को कोई भी लड्डू जैसे हैं, या आपकी ऑरेंज कलर की मिठाई जैसे जलेबियाँ होती हैं, आप गरीब बच्चों को जलेबियाँ बांटें, ये भी एक मंगल का उपाय है कि शाम को जब शाम ढल रही हो उस समय आप मीठी मीठी जलेबी बच्चों को खिलाएं, गर्मा गर्म जलेबी आधा किलो लें, देसी घी की जलेबी लें, ऐसा फॉर्मेलिटी मत करें उपाय के साथ, जैसे आप अपने बच्चों को घर पे खिलाते हैं उस तरह से आप बच्चों को खिलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो वक्त, वो 4 महीने का वक्त है जो हम वेट करते हैं कि शनि का वक्री हो, वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन को बंद करें और एक्सपेंशन बढ़ाएं। इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। प्रॉब्लम तब आती है जिस राशि में वो एंटर कर रहे हैं उसके स्वामी अगर वेल प्लेस्ड ना हो, जैसे मंगल की राशि में वो वापस आएंगे और आपके मंगल की पोजीशन अच्छी ना हो, या केतु या राहु उनके साथ शनि के साथ जुड़े हुए हों, तो भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो हमारे हनुमान जी दूर करते हैं। आप सच्चे तन मन धन से निष्ठा से अगर आप हनुमान जी की पूजा करें, आप चालीसा पढ़ें, आप कवच पढ़ें, आप उनके चोला चढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग चोला कंफ्यूज करते हैं कि उनके ऊपर जो वस्त्र है, नहीं, आप चमेली के तेल में सिंदूर को मिक्स करके आप उनके ऊपर मंगलवार वाले दिन सुबह आप उनके ऊपर लगाएं, राम 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 कहते हुए, उसको बोलते हैं चोला चढ़ाना। आप जलेबियाँ चढ़ाएं और जलेबी जो है गरीब बच्चों में बांटें। आप पीपल का पेड़ जो है उसकी जड़ में आप सरसों का तेल डाल सकते हैं शनिवार वाले दिन। कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी लगन हो आपका, आपका मेष लगन हो, तुला लगन हो, कुछ भी हो, कन्या लगन हो, वो अपने अपने जहाँ जहाँ वो ट्रांजिट कर रहे हैं उस इफेक्ट को, उस घर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, वो जो हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हर एक घर की, हर एक भाव की, हर एक राशि की, उस पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, आपको थका देते हैं, आपको मेंटली स्ट्रेस्ड कर देते हैं, ओवर बर्डन आपको कर देते हैं इस पीरियड के अंदर। तो ओवर बर्डन होना, स्ट्रेस्ड होना कितना अच्छा है, उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं उस ओवर बर्डन से, उस लिटिगेशन से, जब भी कोई मामला सॉल्व होने वाला होता है, कोई लिटिगेशन, तो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, हर तरफ से प्रेशर आता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये तो एक पॉजिटिव साइन है कि जो चीज़ रुका हुआ था वो एकदम से ट्रिगर हो गया, वो एकदम से चलने लग गया। तो ये है शनि वक्री, बिल्कुल मत घबराइए, राम राम कहिए, हनुमान जी का आप ध्यान दीजिए, उनकी आराधना कीजिए, और सबसे सुप्रीम पावर जो है वो हमारे भगवान कृष्ण हैं, उनकी एक माला करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर देखिए ये 4 महीने कैसे बीतेंगे, बिल्कुल मत घबराइए। मुझे, मैंने सुना कि अगर जब शनि वक्री होते हैं तो भूचाल आते हैं या कोई नेचुरल प्रॉब्लम्स आती हैं, हमने रिसर्च भी किया, लेकिन नुकसान नहीं होगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप देखेंगे कि उसमें कोई इतना नुकसान नहीं हुआ कि बहुत से लोग जिसमें उनकी जान चली गई हो। आपने सुना भूचाल आया, कोई प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये है शनि वक्री, थोड़ी मूवमेंट्स तो होती हैं लेकिन बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इफ़ यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्यासा एस्ट्रो चैनल, और आपको और वीडियोस मिलेंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू ऑल।